एक बार की बात है, फ्लोरालिया की मनमोहक भूमि में पेटालिया नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसका स्पर्श सबसे सुंदर फूलों को जीवंत कर सकता था और उसकी हंसी पत्तों की हल्की सरसराहट जैसी लगती थी। पेटालिया राजसी ब्लॉसम कैसल में रहती थी, जो अपने अनूठे उपहार की बदौलत पूरे साल खिलने वाले बगीचों से घिरा हुआ था। पेटालिया की सबसे अच्छी दोस्त फ्लटरविंग नाम की एक छोटी आकर्षक परी थी। साथ में उन्होंने अपने दिन विशाल घास के मैदानों की खोज में और विशाल सूरजमुखी और फुसफुसाते हुए विलो के बीच लुका छिपी खेलते हुए बिताए। एक दिन राज्य पर एक रहस्यमय संकट मंडराने लगा। फूल मुरझाने लगे और फ्लोरालिया पर निराशा छा गई। राजकुमारी पेटालिया फ्लटरविंग के साथ पौराणिक सन ड्यू को खोजने की खोज में निकल पड़ी, एक जादुई अमृत जो किसी भी पौधे में जीवन बहाल कर सकता है। उनकी यात्रा उन्हें विस्परिंग फॉरेस्ट से होते हुए स्पार्कलिंग स्ट्रीम के पार और रेनबो पर्वत के मध्य में ले गई। रास्ते में उनकी मुलाकात शेलबैक नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई, जिसने उन्हें धैर्य का महत्व सिखाया, और मेलोडिका नाम की एक खुशमिजाज गीतकार, जिसने उन्हें हमेशा अपने दिलों में एक धुन रखने की याद दिलाई। कई चुनौतियों का सामना करने और अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करने के बाद पेटालिया और फ्लटरविंग ने प्राचीन ड्रैगन पायराफ्लोरा द्वारा संरक्षित सबसे ऊंची चोटी पर सन ड्यू को पाया। लड़ने के बजाय पेटालिया ने ड्रैगन के घर को नुकसान से बचाने का वादा करते हुए पायराफ्लोरा को दोस्ती की पेशकश की। राजकुमारी की दयालुता से प्रभावित होकर पायराफ्लोरा सन ड्यू साझा करने के लिए सहमत हो गया। जादुई अमृत के साथ पेटालिया ने अपने राज्य को ठीक कर दिया और फ्लोरालिया के फूल पहले से कहीं अधिक चमकीले खिल गए। उस दिन से राजकुमारी पेटालिया फ्लटरविंग शेलबैक मेलोडिका और पायराफ्लोरा फ्लोरालिया के संरक्षक बन गए और यह सुनिश्चित किया कि प्रकृति और जादू के बीच सामंजस्य बरकरार रहे और वे सभी हमेशा खुशी से रहते थे। एक ऐसे देश में जहां हर पंखुड़ी और पत्ते के पास बताने के लिए एक कहानी थी। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बैल की आइकॉन को दबाओ ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।